विकासखंड कमासिन में किसानों ने खाद की किल्लत को देखते हुए किया धरना प्रदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा। विकासखंड कमासिन में क्षेत्रीय किसानों ने खाद की उपलब्धता और कालाबाजारी रोकने के लिए बच्चूलाल यादव किसान नेता के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को दिया गया। किसानों ने कहा कि रवि की बुवाई पिछड़ रही है लेकिन अभी तक खाद नहीं दी जा रही। धरना प्रदर्शन के मध्य ब्लॉक प्रमुख कमासिन राबेंद्र गर्ग ने फोन द्वारा जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारियों व अपर जिला सहकारी अधिकारी सहकारिता कमलेश सिंह से फोन से बात किया और कहा कमासिन क्षेत्र की समितियों को जल्द से जल्द खाद उपलब्ध करा दी जाए। इस पर आश्वासन दिया गया कि 2 दिन के अंतर्गत समितियों को खाद भेज दी जाएगी। ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र गर्ग जी के द्वारा धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को आश्वासन दिया गया कि 2 दिनों के अंदर सभी कमासिन क्षेत्र के किसानों को खाद उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बच्चूलाल यादव किसान नेता ने कहा कि 3 दिन के भीतर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराई गई तो किसान आंदोलन करने पर बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। रिपोर्ट प्रभंजन कुमार गुप्ता, ब्लॉक संवाददाता कमासिन, एवीपी भारत न्यूज चैनल। किन समस्याओं को लेकर आज आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ब्लॉक परिसर में? सबसे बड़ी समस्या खाद की समस्या है। हमारा किसान भाई एक एक बोरी खाद के लिए भटक रहा है, बुआई पिछड़ रही है, खेत सूखे हो रहे हैं, उनको फिर से सींचना पड़ेगा। बड़ा संकट का समय है, खाद का संकट है। धान खरीद केंद्र भी यहाँ 5 आपके ब्लॉक में संचालित हैं, जिसमें एक ही चल रहा है, एक जामू में था, 4 कमासिन में चलते थे। उनकी भी मांग है कि अविलंब धान खरीद केंद्र खोले जाएं और खाद की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या को लेकर के हम धरना दे रहे हैं। आज हमारा ये धरना सांकेतिक धरना है। अगर जिला प्रशासन ने इसकी व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में 3 दिन के अंदर खाद की व्यवस्था नहीं की तो हम जिला प्रशासन की ईंट से ईंट बजाएंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, कमासिन क्षेत्र में ऑनलाइन नाडर बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे, सभी ऑफिस, सभी कार्यालय, सभी कर्मचारियों को ऑफिस के अंदर बंद करने का काम भारतीय किसान यूनियन करेगा हमारे क्षेत्र के।